मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने में बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग के द्वारा भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा दिलाने की मांग की गई थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड डोमिनियन के रूप में स्थापित थे। प्रथम युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों ने ब्रिटेन की सहायता करने का निश्चय किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं उनके इस निश्चय के पीछे संभवतः यह कारण था कि यदि भारत ब्रिटेन की सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। परंतु शीघ्र ही इन नेताओं के अनुमान हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कदापि नहीं करेगा, इसलिए इन नेतागण असंतुष्ट होकर कोई दूसरा मार्ग खोजने लगे। यही असंतुष्टता ही होम रूल लीग आंदोलन के जन्म का कारण बनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।